नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल फिर उठ हुआ है। इधर मैं बहुत काम की वीडियो, जिन भाइयों के पास में फीमेल है ध्यान से सुनना वीडियो को, छोटी सी वीडियो बहुत काम की वीडियो है। सर्दियों के अंदर जिन भी भाइयों की फीमेल्स है जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चे देने वाली है या जिन्होंने बच्चे दे दिए हैं, उनके लिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। बच्चे मर जाते हैं, बहुत तगड़ी समस्या आ रही है। क्यों हो रहा है, कैसे होता है, आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, जिन भी भाइयों की फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको किसी ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर सर्दी बहुत ज्यादा ना हो, समझ रहे हो। कोई भी ऐसा कोई रूम वगैरह हो या कोई भी ऐसी जगह हो तो पहली बात तो वहां रखना है। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी फीमेल बच्चे देने वाली है, तो बच्चे का मैं आपको समझा दूं कि बच्चे जो फीमेल के पेट के अंदर रहते हैं तो अंदर का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है और सर्दी का मौसम है। अब बच्चा जब फीमेल के अंदर से बाहर आता है, बाहर का टेम्परेचर होता है ठंडा, तो एकदम से वो टेम्परेचर जो चेंज होता है ना, उससे भी बच्चे बीमार होके मर जाते हैं। एक दो दिन तीन दिन के अंदर बच्चे मर जाते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता कि यार ये हुआ क्या। ठीक है, अकड़ के भी नहीं मरे, मिल्क इन्फेक्शन भी नहीं हुआ तो बच्चे कैसे मर गए, तो वो सर्दी से चले जाते हैं। दूसरा क्या है कि बच्चे होने के बाद में, अगर आपने मान लो उस टाइम में तो आपने कमरे वगैरह में रखा जहां पे आपने देसी बल्ब वगैरह लगा रखा था या कोई गर्मी का साधन था आपके पास में, आपने गर्म रखा माहौल, उस टाइम तो बच्चा नहीं मरा। लेकिन बाद में क्या होता है कि बच्चे को जैसे खिलाने के लिए, छोटे बच्चे हैं, खेलते खेलते बाहर ले गए, ठंडी हवा में ले गए, अंदर से सीधा बाहर ले गए, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठंडे ठंडे पानी में धोके बच्चे हाथ लेके आए, ठंडे ठंडे गीले गीले हाथ है, छोटा बच्चा है, दो दिन पांच दिन दस दिन का बच्चे, उसको क्या पकड़ते हैं तो पेट से पकड़ते हैं, पेट से पकड़ते हैं तो क्या होता है, वो ठंडा हाथ लगता है ना एकदम से, गर्म से ठंडा, तो इम्यूनिटी कमजोर रहती है बच्चों की, तो उस वजह से वो सर्दी पकड़ लेता है, तो निमोनिया का शिकार होकर उससे भी बच्चे मर जाते हैं। तीसरा क्या है, आपको जब बच्चे को सर्दियों का टाइम है तो रखना है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, फिर इसमें भी एक बार कवर कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर रखना है, फीमेल के पास में नहीं रखना है, पहले भी बता चुका हूं। बॉक्स के अंदर क्या करना है, फीमेल से दूर रखोगे बॉक्स को, अंदर कपड़े बिछा लेना, ठीक है, कपड़ा बिछा के ऊपर बल्ब, जो देसी बल्ब आता है ना, देसी वाला बल्ब रखना है आपको, समझ रहे हो, देसी बल्ब जो आता है ना जो गर्मी पैदा करता है वो वाला, 40 वाट 60 वाट का, वो लगाना है उससे ऊपर बॉक्स से, ठीक है। कितना ऊपर रखना है, इतना ऊपर रखना है कि हल्की गर्मी उस बॉक्स में बनती रहे, ऐसा नहीं कि आप उस बॉक्स को बंद कर दो, खुला ही रखना है लेकिन ऊपर बल्ब रखना है और कमरे वगैरह का गेट बंद रखना ताकि बाहर से एकदम से ठंडी हवा अंदर नहीं आए। तो ये छोटी छोटी तीन बातें, इनका ध्यान रखना बच्चे सर्दी में अगर बचाने हैं आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, आपको पता होगा भाई हर कमेंट का रिप्लाई करता है। बस एक चीज ध्यान रखना, आजकल मैं कमेंट्स का कुछ का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो चीजें मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं पहले बहुत बार समझा चुका हूं, भाइयों को समझ में नहीं आ रही है जो बता चुका हूं वो वापस नहीं बताऊंगा। तो जिन पे वीडियो है वो वीडियो देखो, अगर जो चीज मैंने वीडियो नहीं बनाई है वो चीज आप पूछते हो उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।